सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो दोपहर का टाइम है, बहुत दिनों बाद आज मंदिर जाना है और बहुत दिन से मन कर रहा था बट नहीं जा पा रहे थे। तो आज हम जा रहे हैं, शिवानी जा रही है और मेरी दो बहनें आ रही हैं, वो भी जा रही हैं। तो आगे ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा, तो देखिए। और मंदिर जा रहे थे तो हम लोग सोचे कि जो न्यू पार्क बना है वो भी हम लोग घूम लेंगे, क्योंकि जाना ऐसा मतलब एक होता है ना, सोच के जाना सफर नहीं पाता है हम लोगों को, ना प्लान बन पाता है। तो मंदिर जाने का प्लान था तो हम लोग सोचे कि वहीं से पार्क भी आप लोगों को दिखाएंगे। जो हमारे आरा का जो प्रगति हुआ है ना, वो देख के बहुत खुशी मिला है। तो आप लोगों के साथ भी वो खुशी शेयर करना चाहते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो चलिए निकलते हैं, क्योंकि 12 बज गया है, मतलब जो मेरी बहन है वो लोग निकल गई होगी, तो अब हम भी निकलते हैं। आओ शिवानी। तो देखिए हम भी रेडी, शिवानी भी रेडी हो गई, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आ गए और यहाँ टिकट लगता है 10 रुपया। और ये है वीर कुंवर सिंह पार्क, हमारे आरा का जो पार्क है पुराना वाला वो। तो यहाँ पे टिकट हम लोग ले लिए और इतनी ज़्यादा लू चल रही थी ना, हवा चल रही थी, हमारा टिकट उड़ गया था। यहाँ पे हम लोग दिए जो टिकट चेक करते हैं, तो टिकट ही उड़ गया था। इतनी हंसी आई थी ना, क्या ही बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा ही हवा चल रहा था। फिर जब हम इन करते हैं ना, तो इतना खूबसूरत मतलब अंदर से लगा। अभी काम चल रहा था, आप लोग देखें यहाँ वर्कर्स हैं अभी, और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। सब लोग बोल रहे थे अभी तो स्टार्टिंग है, अभी काम चल रहा है, उसके बाद कितना अच्छा बन जाएगा, हम देखने के लिए एकदम बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए ब्लॉग को एंड तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा हमारा ये वीर कुंवर सिंह पार्क जो है वो। चलिए घूमते हैं आज। रिम्पी आ गई, तन्नू अभी तक नहीं आई है। एंड हम लोग जाने वाले थे मंदिर में, बट मंदिर बंद है, तो फिलहाल हम लोग आ गए पार्क में, ताकि हम लोग एक जगह तो घूम लें, उसके बाद कहीं और जाएंगे। मास्क नहीं निकालेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं पार्क में, और अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है, अभी पूरा काम नहीं है, बट बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो पता नहीं रहेंगे या जमशेदपुर चले जाएंगे, नहीं पता। वैसे आप आरा का बहुत सारा पेज है, आप लोग देख सकते हो, बत्तख दिखा, हमारा आरा प्रगति कर रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है देख के, है ना। अब अभी बहुत सारा चीज दिखाएंगे, तो ब्लॉग पे एकदम एंड तक देखिए। सो गाइज, हम लोग पार्क में बैठे हैं और 12 बजे से निकले हैं हम लोग। तुम भी मैं भी, और तनु का आता पता नहीं है, एक घंटा हो गया एक बजने वाला। कल बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था कि हम लोग कितने बजे आ जाना, एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम इसे इसको जाना रहता है नानी घर। आएगी तो कुटाएगी तीनों से, लेट आती भी और पहले रुसती भी। तो वेट हम लोग कर रहे हैं उसका, और देखते हैं कितने देर में आती है। जी देखो, वहाँ पर तब तक रोड क्रॉस कर दिया, सब चला गया, तब तक देखते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं और फोटोज़ ले पाते हैं तो लेते हैं। गाइस, अभी तक तन्नू नहीं आई है और मेरे को थकान सा लगने लगा है, मतलब नींद सा ऐसा। डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटा। तुमको नींद आ रहा है? बहुत ज़्यादा। रिम्पी, तुमको नींद आ रहा है? हम यहीं सो जा रहे हैं, हम यहीं सोने जा रहे हैं। मेरे को तो नींद आने लगा, हम यहीं पे सोने जा रहे हैं, हमको सही पे नींद आ गया। और प्यास भी लगने लगा, बोतल भी तो खा लेते, पानी नहीं है, खा तो पी रहे हैं हम सारे। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रही है, और चलो वहाँ कोई नहीं है, चला जाए उस पहाड़ पे, पहाड़ हम वहाँ नहीं जाएंगे। फिर यहाँ हुआ मेरा और शिवानी का भीषण युद्ध, जो हमेशा होते रहता है। बताइएगा आप लोग के साथ भी होता है क्या, कि मतलब बहनें जो होती हैं एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती और एक साथ भी नहीं रह पाती, और हमारा यही होता है। एक साथ हम लोग का मतलब
हमेशा लड़ाई हो ही जाता है और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हम लोग। तो यहाँ लड़ झगड़ के और फिर हम लोग आगे बढ़े। तन्नू का वेट करते करते पूरा पार्क हम लोग घूम लिए, फिर हम लोग आ गए जहाँ से इन किए थे वहाँ, तब तक तन्नू नहीं आई थी और पूरा मन थक सा गया था। क्योंकि एक होता है ना, अगर आप किसी का वेट करते हो ना, वो भी 2 घंटे वेट, हम लोग 2 घंटा वेट किए थे, तो मन अजीब सा हो गया था, लग रहा था घर जाएं अब। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खूबसूरती पार्क का, बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब पूरा बन जाएगा ना तो देखने लायक रहेगा ये पार्क हमारा आरा का। और यहाँ पे हम लोग अंदर गए जहाँ बहुत सारे गमले सजाए हुए थे और सच में ये इतना सुंदर लग रहा था ना, पूरे फ्लावर जो थे। तो यहाँ भी हम लोग 1-2 पिक्स लिए, वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था सच में। और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गया था घूमते घूमते। क्या लगा है रिम्पी? नहीं, जो तुम बोलिए वो बोल, अपना भाषा बोलिए, बोलिए हम लोग वाला, बोल जल्दी। तरास लगा है, ये देखना। तो तरास लगा है पानी। हम लोग के भोजपुरी भाषा में तरास का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्यास, इतना प्यास जो बर्दाश्त के बाहर होता है। फिर फाइनली आ गई तन्नू बहुत देर बाद। तब तक सच में हम लोग का जो है ना एनर्जी डाउन हो चुका था, क्योंकि इतने गर्मी में मतलब इतना देर बाहर बैठना, बहुत लू भी चल रहा था। तो हम लोग ज़्यादा उसके बाद घूम भी नहीं पाए, हिम्मत भी नहीं हुआ, मतलब चलने तक का हिम्मत नहीं हो रहा था। और वैसे भी मेरा तबीयत सही नहीं रह रहा है फ़िलहाल, तो हम उतना मतलब पैदल चलने में भी थक जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो इतना आज चले, बहुत दिनों बाद चले थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान भी हो गया था। तो लग रहा था जल्दी से रिक्शा पकड़ के और घर चले जाएँ, ऐसा महसूस हो रहा था। तो यहाँ तन्नू आ गई, हम लोग ऐसे ही खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। वीडियो में देखे होंगे आप लोग, हम लोग बोले कि वो आएगी तो कुटाएगी, तो हम बहनों में वो है, हम लोग एक दूसरे को मारते पीटते नहीं है, वो बस मजाक में हम लोग बोले थे। तो देखे आप लोग, वो आई, हम लोग खुशी खुशी घूम रहे थे सब जगह। फिर यहाँ पे हम लोग गए साथ में, फिर से पार्क हम लोग घूमे बस तन्नू के खुशी के लिए कि वो इतने दूर से आई है, तो हम लोग फिर से घूम लेते हैं एक बार। नहीं तो हम लोग तो 2 घंटे से थे, पूरा पार्क हम लोग घूम चुके थे, बट तन्नू लेट आई तो फिर से हम लोग पूरा पार्क घूमे थे दोबारा। चलने का मन नहीं हो रहा था फिर भी कि वो आई है तो फिर से घूम लेते हैं। फिर हम लोग घूमे और इन्जॉय किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप एक साथ मिलते हो ना बहुत टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग अपना पूरा जो भी काम था वो स्किप करके और हम लोग आए कैसे भी कि हम लोग घूमते हैं। और मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि पैदल घूमें कहीं हम जाएं, बट ये जो टाइम है ना वापस नहीं आता है, तो इसलिए घूम लेना चाहिए कैसे भी टाइम निकाल के। गाइस, हम लोग इतने टाइम बाद हम चारों मिले हैं ना बाहर में, वैसे घर तो हम लोग मिले हैं बट बहुत टाइम बाद। और हम लोग का इतना गंदा हंसते हैं ना, अनकम्फर्टेबल रहा है ना कि हम लोग उनको देख के हंस रहे हैं, बट उन पे नहीं हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग खुद पे हंस रहे हैं अपने आप के बात पे। तो चलिए अब देखते हैं क्या। घूमने के बाद हम लोग बहुत सारा प्यारा प्यारा जो मोमेंट है वो कैप्चर किए, जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर सकते हैं आप लोग, राधा राजवंशी है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, राजवंशी में डबल आई है, तो वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर लो। फिर यहाँ पे हम लोग झूला झूले थोड़ा सा, और डर भी लगता है ये वाले झूले पे, फिर भी लगता है कि थोड़ा सा झूल लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी झूला कहाँ झूलने मिलता है। और ये भी झूला मतलब बहुत टाइम से है, यहाँ बचपन का याद आ जाता है अगर हम झूलते हैं तो यहाँ पे थोड़े देर सब लोग थोड़ा थोड़ा सा झूले और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। हम और रिम्पी तो अच्छे से झूल लिए थे, शिवानी भी अच्छे से, बट तन्नू को बहुत डर लग रहा था, बहुत कोशिश की बट वो झूल ही नहीं पाई थी झूला। ना ही जाएगी, इतना नहीं है। जाओ पता नहीं कर जल्दी। फिर हम लोग आ गए यहाँ रमना मैदान, जहाँ न्यू पार्क बना है।
और बहुत धूप था। आने में यहाँ पे ना बहुत हालत ख़राब हो गया था। ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, फिर भी बहुत थकान सी और हो गई थी। तो यहाँ पे है ना, हमारा जब कुछ भी होता है, जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो यहाँ पे देखिए झंडा फहराया जाता है। तो यहाँ से जो ये दृश्य है ना, इतना खूबसूरत दिख रहा था ना। पहले था ये मैदान था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे इस तरीके का, बट अब इसको पार्क जैसा बना दिया गया है। तो इतना ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गया है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बनने के बाद हम पहली बार गए थे, सब लोग हम लोग पहली बार ही गए थे। दूर से दिख जाता था, अगर आप रोड से कहीं जाते हो इधर से तो दिख जाता था, बट ऐसे हम लोग खड़े हो के नहीं आए थे कि पार्क, बट इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है कि पॉसिबल नहीं है, और मन अजीब सा लग रहा है, इसलिए अब हम घर जाएंगे। बाकी बैक कैमरे से तो आपको हम दिखा ही दिए थोड़ा बहुत जो बना है उधर दूर दूर तक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर लग कि नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे ये सब, बट आज पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा है, लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा आज दिखाना। तो इसलिए बाकी हम बैक कैमरा से आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। सो देख सकते हैं अभी काम चल ही रहा है पार्क में। बाकी वहाँ वो जो दूर दिख रहा है, वहाँ भी झूला वगैरह सब उधर लगा हुआ है, जहाँ अभी हम लोग इतने धूप में नहीं जा सकते हैं, काफ़ी दूर। तो ये देखिए, ये दोनों बात कर रही है सब कुछ, देखिए। बहुत ज़्यादा धूप है, हालत एकदम ख़राब हो गया सबका, तो अभी हम लोग घूमने का प्लान स्किप कर दिए। देखिए यहाँ ये लोग गुपचुप खिला देते हैं, सबको गुपचुप खिला देते हैं उसके बाद। हाँ बेटा, आ फिर यहाँ मेरे को इतना तरासी जैसा हो गया था ना कि सोचे थे गन्ना का जूस पियेंगे, बट ये यहाँ गन्ना का जूस जो था वो बर्फ़ वाला था, और हम नहीं पीते हैं बर्फ़ वाला, तो हम नहीं पिए थे, बस रिम्पी और शिवानी को यहाँ पे पिला दिए थे। गाइस आ गए लोग घर, और कुछ भी सूट करने का मन नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं आँखें भी रेड रेड सी लग रही है, इतना धूप है ना, इतनी हवाएं चल रही है ना कि सच में इंसान उड़ जाएगा इस तरीके का हवा। पूरा धूल लग रहा था कि धूल से हम लोग नहा लिए, इतना ज़्यादा मतलब तेज हवा से धूल भी आ रहा था। बहुत अजीब सा मौसम है फिलहाल, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब जिस काम के लिए गए हैं अधूरा छोड़ के हम लोग घर आ गए। 3 बजे मंदिर खुलने वाला था, बट हिम्मत नहीं हुआ कि फिर हम लोग जाएँ वहाँ पर इतना दूर, तो इसलिए हम लोग आ गए घर, क्योंकि मन अजीब सा हो गया था, पूरे सिर में दर्द हो गया धूप के वजह से। शिवानी तो यहाँ लेट गई है देख सकते हैं, और हम भी लेटे ही हुए हैं। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, और बस क्या बोल। उसके बाद शिवानी यहाँ बना रही थी नूडल्स, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वो बोली थी कि नूडल्स बनाने वाले हैं, तो बहुत टेस्टी नूडल्स बना था और बहुत 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 अच्छा लग रहा था। फिर से हम जाने से पहले एक बार बनवा के खाने वाले हैं हम, क्योंकि बहुत टेस्टी था सच में। सो बहुत अच्छा लगा आज घूम के, और मतलब बहुत दिनों बाद इस तरीके से हम बाहर निकले, थोड़ा इंजॉय किए। हाँ थक जरूर गए, बट अच्छा लगा। तो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा गाइस, अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके शेयर करिएगा।